نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه السلام पलट दी जिसने काया एक नज़र में बज़्म हस्ती की पलट दी जिसने काया एक नज़र में बज़्म हस्ती की कोई एजाज था या आज़म मर्दाना मोहम्मद का अरब का जर्रा जर्रा आद तक सरसार वहदत है अरब का जर्रा जर्रा आज तक सरसार वहदत है कभी गर्दश में आया था वो पैमाना मोहम्मद का। मोहतरम असाज़ा कराम और मेरे दीनी भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरी तकरीर का मौजू है दावत तबलीग की अहमियत। सामिन ग्रामी रब कायनात का फरमान है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तफरकबाजी ना करो। मुफस्सरीन इस आयत की ज़ेल में लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने इस आयत में इबारतुन नस के तौर पर मुसलमानों को एक जमात बनाने का हुक्म दिया है और इस आयत में रब्बुल जलाल ने इस जमात का मंसूर मुतय्यन कर दिया है वो है हब्बिल्लाह यानी कुरान मजीद। अब रही बात कि जमात का काम क्या होगा, खुद रब्बे कायनात ने फरमा दिया كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يعني تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کی رفع نشانی کے لیے تم لوگ نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور خود بھی ایمان کے صفات کے متصف رہتے ہو اور ایک جگہ فرمایا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين। इस शख्स से भली बात किस तरह सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद भी नेक अमल करे और कहे मैं भी आप मुसलमानों में से हूँ। सर्वोदय आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत तबलीग की ताकीद और अहमियत को बयान करते हुए फरमाया मर्रा मिनकुम मुकरन फलयुगयिरु बियदिहि फइन लम यस्तरिफ बिकल्बी फबिलिसानिहि फइन लम यस्तरिफ बिकल्बिहि वलालिका अज़अबुल ईमान। तुम में से जो भी खिलाफ सलाह का होते हुए देखे इसको चाहिए कि इसको हाथ से रोके, अगर इसकी ताकत ना हो तो जबान से इसको रोके, अगर इसकी भी ताकत ना हो तो दिल में इसको बुरा समझे और ईमान का सबसे अच्छा डर जाए। सामिन मोहतरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत की वजह से दावत तबलीग का काम तमाम मुसलमानों के जिम्मे है। चुनांचे सहाबा ताबीउ तबा तबीईन ने इस फरीजे को हसन असलूबे के साथ अंजाम दिया जिसका मुबैन सबूत तारीख के औराक और कब आलम में फैले हुए इन बुजुर्ग हस्तियों के मकबले है जो बलीबल लेको शाहिदुल गैब अमर करते हुए अक्वाम आलम में फैल गए थे। फिजाल मुस्लिमीन की वजह से वो फरीजा कुछ जमाने तक रुका रहा। अल्लाह ताला मौलाना मोहम्मद अली अस्सलाम उठले कब्र को नूर से भर दे। इन्होंने अपने कामों से डेढ़ मिसाल से जरिए फिजदारी तबलीग को जिंदा किया और इस पैग ने रूह फूकी जिसके दिमाग दिमाग आज हिंदुस्तान से लेकर यूरोप अफ्रीका समेत एक दुनिया के सौ मुल्क मुमालिक में नजर आ रही है और वो फजाओं में बलते जा रहे हैं जो सहाबा कराम नजीद आलो हमला के दौर में थे। सामिन मुकर्रम अगर अल्लाह ताला की नजर नस्ल आती नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में आलम मोहम्मदी का बोलबाला होगा और इस्लाम का झंडा रसूल लहराया जाएगा। बस इदास वक़्त से मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आखिर में शायर कहता है वफा के फूल अरे गम पर बिछाए चलो वफा के फूल अरे गम पर बिछाए चलो लोगों के डिपर एक मोर पर चलाए चलो मेरा लहू मेरा आलिम में वापसी के लिए
मैं रालहू मेरे आलिम में वापसी के लिए पुकारता है तुम्हें आलिम रहबरी के लिए। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन।